महिला के साथ घर में घुसकर किया बलात्कार, देवर ने रोका तो कर दी मारपीट। शिकायत के लिए दर दर भटक रही महिला। खबर पोहरी अनुभाग के गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुरिछा की है, जहां एक महिला के साथ गांव के दबंग युवक ने जबरन दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, जहां बचाव करने आए देवर के साथ मारपीट कर दी। इस संपूर्ण घटना की शिकायत महिला ने गोवर्धन थाना सहित अन्य स्थानों पर पहुंच कर की, लेकिन महिला की सुनवाई नहीं हुई, जहां महिला ने पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाई है। बता दें कि फरियादिया महिला ने बताया कि वह अपने घर पर थी, जहां मौका देख गांव का दबंग घर में घुसाया और उसके साथ जबरन गलत काम करने लगा। जहां महिला ने चिल्ला पुकारी की तो देवर बचाव करने पहुंचा, जहां बाहर खड़े दो लोगों ने देवर के साथ जमकर मारपीट कर दी। साथ ही धमकी दे गई कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आपके जो गाँव में जो घटना घटित हुई है दौरानी के साथ, क्या कुछ घटना है और कब की है? परसों की घटना। क्या है ये घटना? मेरी दौरानी के साथ परसों की घटना है। ये चिल्ला चोट हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक तो सोचती रही, पता नहीं कोई बच्चे मच्चे चिल्ला रहे हैं, मैंने सोचा मेरे बच्चे बच गया, मम्मी कोई चाची की घटना घट रही है। मैं गई थी तो अज्जू बाहर खड़ा था, अज्जू का लड़का बाहर खड़ा था आशीष, और लाल कुसुम का मोड़ा था सचिन। और लाल कुसुम मैं गई थी, मेरे किवाड़ देखे बंद थे, मैंने किवाड़ों को ढका दिया तो मैंने खोला किवाड़ तो लाल कुसुम अंदर था, और मेरी दौरानी चिल्ला रही थी, जैसे ही पड़ी थी मैंने जाके कपड़े मपड़े उड़ा के लाल कुसुम को मैंने ढका दिया। तब तक मेरा देवर आ गया, देवर ने देखा कि चिल्ला चोट हो रही है, देवर गया भग के खुल्ला, देवर ने माने लाल कुसुम ने कट्टा अड़ा दिया मेरे देवर से, और अज्जू का लड़का और सचिन और लाल कुसुम मेरे देवर को पकड़ के ले गए। देवर से बोले कि तू कहेगा अगर थाने माने जाएगा तो तेरे को जान से मारने की धमकी दी, उसको जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की थी। इसकी शिकायत की है कहीं आपने? गोवर्धन की थी। क्या कहा? गोवर्धन। तो शिकायत कार्रवाई नहीं हुई अभी? कोई कार्रवाई नहीं की। दरोगा जी से बोला था जिस दौरानी ने जाके कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, दरोगा जी ने दौरानी को धमका दिया, बोला शांत रहे। इसकी शिकायत और कहीं की फिर आपने? फिर हम आए पोहरी। क्या कहा पोहरी एसडीपी साहब ने? क्या कहा फिर? ममता, कौन से गांव से आई हो? बरीचा से। तो आपके साथ जो घटना हुई है कब की है? परसों की। तो इसकी घटना क्या क्या कुछ जानकारी जी है? फिर अज्जू आया था, वो पैरिक था, वह मोड़ा था, एक सचिन था, फिर वो भीतर को सगा था लाल किसान, फिर बिल ने मेरे पास एक घंटा गलत काम करा था, फिर मैं चिल्लाई थी, सुबित खेत पे से मेरा देवर आया था, सुबिन ने डाका दे रहा है, फिर मेरी थाने जिठानी आई गई, सुबिन ने गेट खुलवाया मेरे कपड़ा, फिर बिल ने ढांकी थी मैं, फिर बाहर निकाली थी, फिर मेरे देवर से मारपीट करी थी। फिर किसने की आपके साथ मारपीट? आपके देवर के साथ अज्जू ने, लाल किशन ने और सचिन ने। और इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? गोवर्धन थाने पे करी थी। क्या कहा? बिन्ने सुनवाई नहीं करी। क्या कह रहे थे? न कही के ऊपर, फिर मैंने बिन्ने भगा दी घर पे, घर से मैं फिर आई, फिर मैं पोरी गई, फिर पोरी मैंने केस लगाया, फिर बिन्ने से कही के चले जा थाने पे। एसडीओपी साहब के यहाँ पे गई थी आप? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? न गई थी थाने, पहुंच जाओगे। जब फिर गई थी थाने पे दोबारा? थाने पे मैं गई थी, तो मैं 7:30 बजे तक बैठी रही मैं घर पे, सुबह ने बजा दी घर पे, वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं की फिर? नहीं करी। अब आप क्या चाहती हो? अब मैं आगे का केस उठाती, मैं कार्रवाई नहीं सुनूंगी तो मैं हत्या करूंगी, और फिर हत्या करके पुलिस की और लाल किसान की, अज्जू की, बिन के मॉडर्न की, बिन की जिम्मेदार है। मतलब तुम आत्महत्या करोगी फिर अगर सुनवाई नहीं हुई आपकी तो? हाँ हाँ, नहीं सुनवाई होगी तो मैं मर भी सकती हूँ, फांसी भी लगा सकती हूँ, जहर भी खा सकती हूँ, अब नहीं सुनाऊंगी तो मेरी। कौन से गांव के हो? गुरिचा। तो आपकी भाभी के साथ जो घटना घटित हुई कब की है? परसों की। तो कितने समय था लगभग? शाम का टाइम। शाम का कितना बज रहा होगा? टाइम तो सर मेरे को पता नहीं है, शाम का ही टाइम था, तो मैं खेत पे से आया था। तो क्या कुछ हो गया? तो मैंने देखा कि चिल्ला चोट हो रही थी हमारी भाभी के घर पे,
तो मैं गया था, तो मैंने जुमा जप्टी मेरी हुई हुई थी, तो मतलब किसके साथ हुई थी जुमा जप्टी? लाल कृष्ण के और अज्जू के और सचिन के, तो उन्होंने मेरे को पकड़ के मेरे को भी पीट दिया। मारपीट की थी आपने? मारपीट की थी मेरी। फिर क्या कहा? फिर कहा था अगर रिपोर्ट करने जाएंगे तो तुझे भी जान से मार देंगे। तो इसकी रिपोर्ट वगैरह आपने नहीं की फिर कहीं? फिर हमने गोवर्धन थाने में रिपोर्ट की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम फौरी आए थे बड़े अधिकारी के, तो उन्होंने क्या कहा फिर एसडीपी साहब ने आपसे? उन्होंने कहा था हम बोल देंगे सुनवाई हो जाएगी तुम्हारी। तो फिर क्या हो गई कार्रवाई? फिर दरोगा जी गए थे शाम को, तो मतलब वे कह रहे थे कि राजीनामा कर लो आपसे काम से, और राजीनामा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, और 1,00,000 रुपये इनकी कह रहे थे। कौन कह रहा था 1,00,000 रुपये की? दरोगा जी। किससे? हमसे कह रहे थे। तो कौन देगा रुपये आपको? अच्छू कुशवा देगा। अच्छा, वो राजीनामा करने की पेशकश कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम उनको कार्रवाई करना चाहते हैं, हम राजीनामा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं हुई गोवर्धन थाने पर तो फिर आप क्या चाहोगे? हम फिर आगे जाएंगे सर।